पर जोधपुर दक्षिण नगर निगम में बीजेपी के डिप्टी मेयर उपमहापौर पद के लिए बीजेपी के किशन लड्डा विजयी किशन लड्डा को मिले कुल 48 वोट। तो यहां पर यह स्थिति साफ हो गई है, जयपुर दक्षिण नगर निगम की स्थिति साफ, जहां बीजेपी के डिप्टी मेयर उपमहापौर पद के लिए बीजेपी के किशन लड्डा विजयी हैं। तो जोधपुर दक्षिण नगर निगम में बीजेपी के डिप्टी मेयर बने हैं किशन लड्डा, जिन्हें वोट मिले हैं कुल 48। तो लड्डा को कुल 48 वोट मिले हैं, जिसके बाद अब जयपुर दक्षिण की स्थिति यहां साफ हो गई है। यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी उपमहापौर बने हैं किशन लड्डा, जो उपमहापौर बने हैं बीजेपी के डिप्टी मेयर उपमहापौर पद के लिए बीजेपी के किशन लड्डा विजयी हुए हैं और उनको कुल वोट मिले 48। तो 5 बजे तक मतदान होना था और उस मतदान के बाद मतगणना होती थी, लेकिन जिस तरह हमने आपको बताया कि कुछ जगह ऐसी थी जहां स्थिति पहले से ही साफ नजर आ रही थी, चाहे जयपुर ग्रेटर की हम बात करें तो वहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारा था, इसी तरह जयपुर दक्षिण में अब जो है स्थिति साफ हो गई है। बीजेपी के डिप्टी मेयर उपमहापौर पद के लिए बीजेपी के किशन लड्डा विजयी हुए हैं और उन्हें कुल 48 वोट मिले हैं। तो लड्डा विजयी हुए हैं उपमहापौर पद के लिए, उनको चुना गया है किशन लड्डा, जो 48 वोट से विजयी हुए हैं।